सो बेटा वी आर स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन्स। इन अवर लास्ट लेक्चर्स वी हैव स्टडीड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अल्किन्स। टुडे वी विल स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज दैट हाउ द अल्किन्स विल रिएक्ट विद अनदर कंपाउंड्स। सो इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन्स इट शोज मेनली टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। First reaction is electrophilic addition reaction and the another one is oxidation reaction. So first of all we will understand the meaning of electrophile. As we have completed in our GOC part, electrophilic, electro matlab sir electron, philic matlab attraction. Electron ke liye attraction kaun species rakhengi beta? Wo species rakhengi jiske upar kaun sa charge ho? Positive charge ho sir. तो पॉजिटिव चार्ज वाला क्या करेगा? ऐड होना चाहेगा। किसके अंदर ऐड होना चाहेगा बेटा? अल्किन्स के अंदर ऐड होना चाहेगा। अल्किन्स के अंदर ऐड होगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा एंड दैट रिएक्शंस आर नोन एज जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट एन अनदर टाइप ऑफ रिएक्शंस दैट आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच वी एड एन ऑक्सीजन इनटू द अल्किन्स and that are known as oxidation reaction. So that's a phenomena how we add the oxygen in the alkenes part, that we will study in our oxidation reactions. So first of all I will start electrophilic addition reactions in which the first reaction is addition of halogen. So electrophilic addition reaction mein ye aap to aapne samajh hi liya hoga कि अगर मैं इसकी जनरल रिएक्शन की बात करूं तो मान लो आपके पास क्या प्रेजेंट है बेटा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है, दैट इज योर अल्किन्स। अल्किन्स की दो वैलेंसेज क्या होंगी? यहाँ पे खाली होंगी, यहाँ पे भी दो वैलेंसेज क्या होंगी? खाली होंगी। इसकी मान लो हम क्या करवा रहे हैं बेटा? रिएक्शन करवा रहे हैं। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? ए बी के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास बेटा बी के ऊपर कौन सा चार्ज है सर? नेगेटिव चार्ज है। और ए के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा बेटा। यहाँ पे हमारे पास कार्बन के साथ क्या आ जाएगी? सिंगल बॉन्ड कार्बन आ जाएगी, दो वैलेंसीज इसकी फ्री थी। और साथ में यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? एक अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे? ए आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्लियर है? तो सर यहाँ पे तो नेगेटिव ग्रुप भी ऐड हो रहा है और पॉजिटिव ग्रुप भी ऐड हो रहा है, तो वाई वी विल से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? वाई कांट वी से दैट दीज आर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑल्सो? सो बेटा यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस साइड दोनों इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, मान लो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस कार्बन पे ट्रांसफर हो रहे हैं, क्लियर है? तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? तो जिस कार्बन के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरेंस हो रही हो, जिस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही हो? ट्रांसफरेंस हो रही हो, अगर उसी कार्बन एटम के ऊपर अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और उससे जस्ट अपोजिट वाले पे ऐड हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर भी पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कार्बन है, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रहा है? एड हो रहा है। तो देट आर द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी एडिशन ऑफ हेलोजन। सो एज वी नो हेलोजन को अगर हम कभी भी एड करवाते हैं बेटा, That is addition of halogen. Halogen कौन सी स्टेट में पाया जाता है सर? गैसियस स्टेट में पाया जाता है। गैसियस स्टेट मतलब क्या होगा? X2 होगा। X2 इन अवर गैसियस स्टेट। कैटलिस्ट हम कौन सा लेंगे बेटा? कैटलिस्ट हम इसके लिए लेंगे CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में हम किसको ऐड करवाएंगे? हेलोजन एटम को। किसके अंदर सर? अल्किन्स के अंदर। तो बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है? अल्किन है, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दो वैलेंसीज इसकी फ्री है सर, और दो वैलेंसीज इसकी फ्री है। क्लियर है? इसके अंदर मुझे ऐड करवानी सर ब्रोमीन, ऐड करवानी है। तो यहाँ पे मैं ब्रोमीन को ऐड करवा रहा हूँ सर, ब्रोमीन को ऐड करवा रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पे आ गया सर हमारे पास CCl4, दैट इज योर कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में अगर मैं ब्रोमीन को ऐड करवाता हूँ तो जनरली क्या होगा बेटा? यहाँ पे हमारे पास कैटलिस्ट अपना काम दिखाएगा। कैटलिस्ट का काम क्या होता है बेटा? बॉन्ड ब्रेकिंग का काम होता है। तो ये कौन सी बॉन्ड ब्रेक होगी? पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड? पाई बॉन्ड क्या होती है बेटा? वीक होती है। तो पाई बॉन्ड वीक होती है तो ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। एक ब्रोमीन कहां पे अटैच हो जाएगा बेटा? इस वाले कार्बन एटम के ऊपर। और एक ब्रोमीन कहां पे अटैच हो जाएगा? इस वाले कार्बन एटम के ऊपर। तो रिएक्शन जो है बेटा इसका जब एंड प्रोडक्ट निकल के आएगा तो एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा बेटा? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, दो वैलेंसीज पहले से खाली थी,
इसकी भी दो वैलेंसीज पहले से खाली थी, डबल बॉन्ड टूट गई है जिसके इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बना ली है बेटा, किसके साथ बॉन्ड बना ली है, ब्रोमिन के साथ। क्लियर है? सो मान लो अगर मैं आपसे बात करूं, ये इथीन का स्ट्रक्चर था, दैट इज योर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुके हैं सर, चार हाइड्रोजन आ चुके हैं। नाउ आई वॉन्ट टू आस्क कि यहाँ पे सर हमारे पास दो हेलोजन है। सो एज यू नो, अगर हमारे पास दो हेलोजन होते हैं तो दैट इज नोन एज डाई हेलोजन, डाई हेलोजन डेरिवेटिव। क्लियर है? सो आई वॉन्ट टू आस्क कि ये डाई हेलोजन डेरिवेटिव जो है ये जेमिनल डाई हेलाइड है या विसनल डाई हेलाइड है। वॉट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इट इज, जेमिनल डाइहैलाइड और विसनल डाइहैलाइड। सो एज वी नो बेटा, अगर एक ही कार्बन के ऊपर दो हेलोजन एटम्स लगे हों तो दैट इज नोन एज योर जेमिनल डाइहैलाइड, एंड अगर दो अल्टरनेट कार्बन एटम्स के ऊपर लगे हों तो दैट इज नोन एज विसनल डाइहैलाइड। तो ये हमारे पास कौन सा है बेटा, विसनल डाइहैलाइड है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। आफ्टर दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टूवर्ड्स दिस रिएक्शन, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है बेटा, फ्लोरिन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फ्लोरिन सबसे ज्यादा ऐड होना चाहता है। ये उल्टा होता है, जैसे अगर हम बात करें लिविंग ग्रुप की तो लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन सा होता है, आयोडीन, लेकिन हम बात करें एडिशन की तो एडिशन के लिए सबसे अच्छा कौन सा होता है, फ्लोरिन। तो रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर, जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, एलिमिनेशन में कौन रिएक्टिव होगा सबसे ज्यादा, आयोडीन, अभी एडिशन पढ़ रहे हैं तो कौन है, फ्लोरिन। Then we have addition of halogen. तो in case of addition of fluorine, अगर हम fluorine को add करवा रहे हैं, मान लो किसको add करवा रहे हैं सर, fluorine को add करवा रहे हैं, तो the reaction occurs so violently. तो reaction क्या हो जाएगी, बहुत violent हो जाएगी, that it leads to explosion. इसके कारण क्या हो सकता है, explosion भी हो सकता है, as it is an exothermic reaction. क्योंकि ये क्या होती है, एक type की exothermic reaction होती है कि carbon double bond carbon के अंदर अगर हम fluorine को add करवाएंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा सर, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, नीचे फ्लोरीन आ गया, साइड में भी फ्लोरीन आ गया, लेकिन क्या रिलीज होगी, हीट, और वो भी बहुत ज्यादा। इसीलिए रिएक्शन क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो जाती है। इन केस ऑफ एडिशन ऑफ आयोडीन, अगर हम बात करें आयोडीन के एडिशन की बात, तो द रिएक्शन टेक प्लेस अंडर स्पेशल कंडीशंस। तो रिएक्शन के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस रखी जाती हैं, एज द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, क्योंकि ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। आपने इसके अंदर आयोडीन को ऐड करवाया, बिल्कुल अच्छे तरीके से करवा दीजिए सर, येलो आयोडीन ऐड हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिएक्शन यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगी, वापस से इसको मैं कन्वर्ट कर सकती है, आयोडीन गैस रिमूव हो सकती है यहाँ से। तो इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस रखी जाती हैं ताकि आयोडीन गैस रिमूव ना हो। देन द रिएक्शन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, इसीलिए ये जो रिएक्शन होती है बेटा, इसको अनसेचुरेशन के टेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है। तो अल्किन्स और अल्काइन्स के अंदर अनसेचुरेशन जो है उसके लिए हम एक टेस्ट यूज करते हैं, कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट से हमें यह पता चलता है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। क्लियर है? तो अगर हमारे पास इसके अंदर हम एक रिएक्शन भी देख लेते हैं बेटा, इफ वी हैव ब्रोमीन वाटर टेस्ट, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है। मान लो आपके पास क्या एक रिएक्शन है CH3, और यहाँ पे हमारे पास CH2 और CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है बेटा, या फिर इतना ही ले लेते हैं इसको, ये यहाँ पे क्या जाएगा CH2 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना हुआ है बेटा, प्रोपीन बना हुआ है, प्रोपीन बना हुआ है। प्रोपीन को मान लो मैंने रिएक्शन करवा दी, प्रोपीन की किसके साथ रिएक्शन करवा दी बेटा, ब्रोमीन के साथ। क्या आपको ब्रोमीन का कलर पता है कैसा होता है, कलर ऑफ ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का कलर कैसा होता है मैं आपको बता दूं बेटा, डार्क एंड ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, डार्क एंड ब्राउन लिक्विड। तो ये तो सर डार्क एंड ब्राउन लिक्विड है, इसको प्रोपीन के साथ रिएक्ट करवाया। तो अगर बेटा कंपाउंड अनसेचुरेटेड है, इफ द दिस कंपाउंड हैज अनसेचुरेशन, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड मतलब क्या प्रेजेंट होगी, अनसेचुरेशन। तो अगर अनसेचुरेशन के साथ रिएक्ट करता है, कौन रिएक्ट करता है बेटा अनसेचुरेशन के साथ, ब्रोमिन, तो ये क्या करेगा, हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा जो कैसा होगा, कलरलेस। कैसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा, कलरलेस फॉर्मेशन करेगा, जो इसका डार्क ब्राउन कलर है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो अगर बात करूं मैं आपसे कंपाउंड फॉर्मेशन की, तो वो तो हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे क्या होगा सर, डबल बॉन्ड टूट जाएगी, एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक ब्रोमीन यहाँ पे, दैट इज योर CH3, आगे क्या आएगा सर, CH के बाद क्या आएगा बेटा, CH2 नीचे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन, और यहाँ पे भी नीचे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन।
क्या बन जाएगा 1.2 डाइब्रोमो और आगे क्या आएगा प्रोप एन आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड अट चुकी है सर। क्लियर है, अनसेचुरेशन आ चुकी है, अनसेचुरेशन अट चुकी है जिसकी वजह जो हमें कैसे पता चला क्योंकि कलर क्या हो गया अट गया ब्रोमीन का। सो द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, अच्छा नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा वो हमारे पास क्या है हैलोजन एसिड्स की एडिशन। तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस रिएक्शन इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी होती है HF, HCl, HBr, HI। अगर हम एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड की बात करें दैट इज योर हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। सबसे ज्यादा होती है बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड की, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl एंड द लास्ट वन इज HF। क्लियर है, तो द HI हैज वीक बिकॉज ऑफ इनकम्पेरेबल साइज। HI की जो बॉन्ड होती है वो कैसी होती है, वीक होती है क्योंकि H तो बिल्कुल छोटा सा है और आयोडीन बहुत बड़ा है, इनकम्पेरेबल साइज है, तो इसीलिए इनके बीच में जो बॉन्ड बनती है वो क्या होती है वीक होती है। इसको तोड़ना क्या होता है आसान होता है, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है ज्यादा होती है। दैट इज द रीजन इट्स रिएक्टिविटी इज हाई टुवर्ड्स दिस रिएक्शन। सो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्किन्स मार्कोनिकोफ रूल इज फॉलोड। अगर अनसिमेट्रिकल अल्किन की बात करें तो किसके कौन से रूल को फॉलो करेंगे सर, मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करेंगे। तो पहले तो सिमेट्रिक वाला देख लेते हैं उसके बाद फिर अनसिमेट्रिक वाला देखेंगे। तो सिमेट्रिक वाले के अंदर क्या हुआ सर, हमारे पास मान लो एग्जांपल नंबर ए है, ये एग्जांपल नंबर बी है, यहाँ पे अनसिमेट्रिक वाला कंसीडर कर लेंगे। तो मान लो यहाँ पे सी एच टू है, डबल बॉन्ड सी एच टू है, ये सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है जल्दी से बताइए। ये हमारे पास सिमेट्रिक है बेटा क्योंकि डबल बॉन्ड के अक्रॉस इधर भी एक कार्बन आइटम है उधर भी एक कार्बन आइटम है। अगर इधर भी दो उधर भी दो तो क्या होगा सिमेट्रिक होगा, इधर भी इधर तीन उधर दो तो क्या होगा अनसिमेट्रिक होगा। तो इसके अंदर अगर हम किसको ऐड करवा रहे हैं, HBr को ऐड करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट अपना काम दिखाएगा, क्या काम दिखाएगा बेटा डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, डबल बॉन्ड क्या है वीक बॉन्ड है तो ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी, एक तरफ हाइड्रोजन जाएगा एक तरफ Br जाएगा, एक तरफ हाइड्रोजन गया तो क्या बन जाएगा CH3 और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा CH2 और आगे क्या जाएगा Br। क्लियर है, ये तो सिंपल सी रिएक्शन है सर, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड अब बनेगी बेटा। कैसे बनेगी कि मान लो ये अनसिमेट्रिक आ जाए CH, यहाँ पे आ रहा है CH, यहाँ पे आ रहा है CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अक्रॉस यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है दो, यहाँ पे कितना है एक, तो ये तो बन गया अनसिमेट्रिक। अब इसमें किसको ऐड करवाना है HBr को, तो HBr को ऐड करवाना है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्या तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा सर, यहाँ पे CH3 आएगा, CH3, CH डबल बॉन्ड टूट गया यहाँ से मान लो, तो क्या तो इस पे हाइड्रोजन आ सकता है Br आ सकता है, मान लो इस पे हाइड्रोजन आ गया तो क्या बन जाएगा CH2 बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा CH2Br। लेकिन अगर बीच वाले पे Br आ गया CH3 CHBr और आगे क्या लग गया एक हाइड्रोजन लग गया CH3, तो दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है, क्या तो इस वाले की या फिर इस वाले की। तो व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट सर, ये तो हमें समझ नहीं आया। तो मेजर प्रोडक्ट पता करने के लिए अनसिमेट्रिकल एल्किन्स में किस रूल को फॉलो किया जाता है, मार्कोनिकोफ रूल को। सो नाउ वी विल स्टडी मार्कोनिकोफ रूल ऑफ एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड इन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अच्छा मार्कोनिकोफ रूल तभी फॉलो होगा जब हमारे पास एल्कीन कैसी हो अनसिमेट्रिक हो, सिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो नहीं करेंगे, उसके अंदर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। क्लियर है बेटा, सो देखते हैं कौन सा रूल सर, मार्कोनिकोफ रूल। सो ध्यान से देखिए बेटा, मार्कोनिकोफ रूल हमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस, इस रूल के अकॉर्डिंग एडिशन ऑफ एनी ग्रुप इन अनसिमेट्रिकल एल्किन्स, अगर अनसिमेट्रिकल एल्किन्स में किसी भी ग्रुप को ऐड करवा रहे हैं द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, तो जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होगा बेटा विल अटैच इटसेल्फ, वो अपने आप को अटैच करेगा उस कार्बन एटम से कैरिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जिसके ऊपर हाइड्रोजन एटम क्या होंगे कम होंगे, एंड हाइड्रोजन गोज टू कार्बन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एटम उस कार्बन पे जाएगा जिसके ऊपर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होंगे मैक्सिमम होंगे। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव एन स्ट्रक्चर, अभी अभी पढ़ा हमने CH3 कार्बन, कार्बन के साथ क्या रहा है डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है CH2 है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके अंदर हम किसको ऐड करवा रहे थे HBr को, तो HBr को ऐड करवा रहे थे, रिएजेंट हमारे पास कौन सा है बेटा HBr है, रिएजेंट कौन सा है सर HBr,
तो इसके अंदर नेगेटिव पार्ट कौन सा है, बी आर नेगेटिव, और पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, एच पॉजिटिव। तो नेगेटिव पार्ट ये रहा सर, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैच इटसेल्फ, वो अपने आप को अटैच करेगा उस कार्बन एटम से जिसके ऊपर क्या होंगे, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये बॉन्ड टूटेगी तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो कम किसके पास है बेटा, बीच वाले कार्बन एटम के पास कम है, तो इस पे कौन सा पार्ट आएगा, नेगेटिव पार्ट। क्लियर है। एंड हाइड्रोजन गोज टू द कार्बन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, सी एच थ्री कार्बन, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया सर, सी एच थ्री, और ऊपर क्या जाएगा, हाइड्रोजन, और साथ में नीचे क्या आ गया, बी आर। क्लियर है, आ गया समझ में। हमने ना इसको एक और तरीके से समझ रखा है कि मान लो यहाँ से डबल बॉन्ड टूट रही है, तो एक के ऊपर पॉजिटिव आना है, एक के ऊपर नेगेटिव आना है, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि क्या तो इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या फिर नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। क्लियर है। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या बोलते हैं बेटा इसको, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो कार्बोकैटायन बन रहा है सर, तो कार्बोकैटायन बन रहा है, तो यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो ये कितने डिग्री कार्बोकैटायन होगा, 1 डिग्री। जबकि इस यहाँ पे जो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो कितने कार्बन से कनेक्ट है, 2 कार्बन से, तो ये कितना होगा, 2 डिग्री। विच वन इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसके ऊपर कौन सा पार्ट अटैक करेगा, नेगेटिव वाला। आया समझ में। तो दैट इज ऑल्सो एन इंटरप्रिटेशन थ्रू विच यू कैन रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। एंड एक चीज हम पढ़ ही चुके हैं, क्या, नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज नोन एज मार्कोनी का रूल ऑफ एडिशन। क्लियर है बेटा। आफ्टर दैट, बट इफ रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड, सो इन एंटी मार्कोनिकफ रूल के अंदर क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। मार्कोनिकफ रूल के अंदर क्या था सर हमारे पास, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जबकि एंटी मार्कोनिकफ रूल में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इट द नेगेटिव पार्ट अटैचेस टू द कार्बन एटम विद मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे सर नेगेटिव पार्ट कौन से कार्बन एटम पे जाएगा, जिसके ऊपर क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, एंड पॉजिटिव पार्ट अटैचेस टू द कार्बन एटम विद लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन एटम पे अटैच होगा बेटा जिसके ऊपर हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, कम होंगे। और ये सारा का सारा खेल कब होगा सर, जब हमारे पास क्या प्रेजेंट हो, HBr प्रेजेंट हो। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल इज ओनली फॉर HBr ड्यू टू थर्मोडायनेमिक रीजंस। तो मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या था, सेम रिएक्शन ले रहे हैं, CH3 कार्बन H डबल बॉन्ड CH2, लेकिन अब के बार सर HBr को ऐड करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। क्लियर है। तो बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम ऐड करवाएंगे तो नेगेटिव पार्ट कौन सा है बेटा, Br नेगेटिव किस पे अटैच होगा, जिसके ऊपर क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, और H कहाँ पे होगा बेटा, कार्बन वाले पे। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, दैट इज योर CH3, साथ में क्या आ रहा है, CH, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, Br, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, नहीं सॉरी CH2, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, Br आएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है कि नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है। दैट इज नोन एज एंटी मार्कोनिकफ रूल। मार्कोनिकफ रूल इज फॉर ऑल अटैकिंग एजेंट्स, जितने भी अटैकिंग एजेंट्स है सभी में फॉलो होता है मार्कोनिकफ, लेकिन एंटी मार्कोनिकफ सिर्फ तभी फॉलो होगा जब हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। क्लियर है, आ गया समझ में। तो सो बेटा इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर मान लो हमारे पास कोई एल्कीन है, एल्कीन कौन सी है सर, मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3, साथ में क्या है, कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, CH लगा हुआ है, उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, ऊपर लगा हुआ है CH3 ग्रुप, इसके बाद सर यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन H, एंड डबल बॉन्ड हमारे पास क्या है बेटा, CH2, तो ये क्या है बेटा, हमारे पास एल्कीन ग्रुप है, एल्कीन ग्रुप है। अगर इस तरीके से होता है कि हमारे पास क्या लगी हुई है, एक ब्रांच लगी हुई है एडजेसेंट टू द डबल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बेटा, अगर हम इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे हैं,
मान लो किसको ऐड करवा रहे हैं, एच पॉजिटिव आयन को ऐड करवा रहे हैं, तो एच पॉजिटिव आयन कहाँ पे ऐड होना चाहिएगा? ध्यान से सुनिएगा, हम हाइड्रोजन गैस को ऐड नहीं करवा रहे हैं, किसको ऐड करवा रहे हैं? एच पॉजिटिव आयन को। तो यहाँ से डबल बॉन्ड क्या हो जाएगी सर? ब्रेक हो जाएगी। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर कौन अटैच होना चाहेगा? एच पॉजिटिव। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर कौन अटैच होना चाहेगा? कोई भी नहीं सर, और कोई है ही नहीं ग्रुप, सिर्फ एच पॉजिटिव ही है। अब सर हमें पता है कि नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एटम किसके पास है? इस वाले के पास। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और इसके पास कौन सा आएगा बेटा? पॉजिटिव। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए कैसा ग्रुप बनेगा। हमारे पास क्या लगा हुआ है सर? सी एच थ्री है। सी एच थ्री के साथ क्या है बेटा? हमारे पास सी एच है। ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा? ऊपर जल्दी से बताइए क्या लगा हुआ है। अच्छा, मैं इस हाइड्रोजन को क्या कर रहा हूँ? नीचे लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन को क्या कर रहा हूँ? नीचे लिख रहा हूँ। और इसकी कोई वजह है, अभी सुनेंगे। ध्यान से सुनिएगा। सी एच थ्री और साथ में क्या आ रहा है? कार्बन। कार्बन के साथ ध्यान से देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है? एक सी एच टू ग्रुप लगा हुआ है जिसमें एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गया सर? सी एच थ्री बन गया। और इस कार्बन के ऊपर एक क्या लगा हुआ था? हाइड्रोजन लगा हुआ था। और एक इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब ध्यान से देखो, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से अटैच है? एक, दो। दो कार्बन से अटैच है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाए, तो अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कितने कार्बन से अटैच होगा? एक, दो, तीन। तीन कार्बन से। एंड एज वी नो, 3 डिग्री कार्बोकोटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकोटाइन। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए? रीअरेंजमेंट होना चाहिए। रीअरेंजमेंट किस तरीके से होगी बेटा? ये कार्बन क्या करेगा? हाइड्रोजन को गेन करेगा। कार्बन क्या करेगा? हाइड्रोजन को गेन करेगा। और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। एंड दिस शिफ्टिंग इज नोन एज हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्रोजन की शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलते हैं। हाइड्राइड शिफ्टिंग क्यों करेगा? टू गेन द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसने क्या किया? हाइड्रोजन को शिफ्ट कर लिया। क्या है सर हमारे पास? सी एच थ्री है। साथ में क्या है बेटा? कार्बन है। कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? सी एच थ्री लगा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास क्या आया सर? कार्बन। कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन आ गए। दो हाइड्रोजन आ गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? सी एच थ्री। और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज योर कार्बोकोटाइन। अब सर कार्बोकोटाइन है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से अटैच है? एक, दो, तीन। तो ये कितने डिग्री कार्बोकोटाइन है बेटा? 3 डिग्री कार्बोकोटाइन है। जबकि आप ऊपर देखोगे तो ऊपर हमारे पास कौन सा डिग्री कार्बोकोटाइन बन रहा था? यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से अटैच है, तो दैट इज योर 2 डिग्री कार्बोकोटाइन। विच वन इज मोर स्टेबल? 3 डिग्री कार्बोकोटाइन। तो 3 डिग्री कार्बोकोटाइन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है इससे, 2 डिग्री कार्बोकोटाइन से। और इसीलिए हमारे पास रीअरेंजमेंट हुई, जिस रीअरेंजमेंट का नाम क्या है? हाइड्राइड शिफ्टिंग। समझ आया क्या? बिल्कुल सही सर। अब यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकोटाइन ज्यादा स्टेबल क्यों होता है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, हैविंग मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इसकी एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी क्या होती है? हाई होती है। क्लियर है बेटा? सो इसीलिए क्या करता है? रीअरेंजमेंट करता है। देन वी हैव एन अनदर रिएक्शन दैट इज नोन एज एडिशन ऑफ H2O। तो आप मुझे बताओ H2O के अंदर कौन कौन से आयंस होते हैं, जल्दी से बताना। H पॉजिटिव और H नेगेटिव होते हैं। कौन से होते हैं सर? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो एक तो कौन सा पार्ट ऐड होना है? OH नेगेटिव वाला, और एक H पॉजिटिव वाला। HBr तो है ही नहीं। अगर HBr होता इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो हम किसको लगाते? अगर HBr होता इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो किसको लगाते? एंटी मार्कोनिकफ रूल को। लेकिन अगर ये नहीं है तो किसको लगाएंगे? मार्कोनिकफ रूल को। मार्कोनिकफ रूल क्या कहते हैं? नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझ आया क्या? एंड पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये भी समझ आया क्या? अच्छा, ध्यान से देखिए बेटा, इसके अंदर मान लो हम रिएक्शंस करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन जो है वो मैं करूंगा, उसके बाद आपको करनी है। मैं करूंगा सिमेट्रिकल वाली, बिल्कुल आसान वाली। आप करोगे अनसिमेट्रिकल वाली, बिल्कुल मुश्किल वाली। तो सिमेट्रिकल के अंदर क्या होगा बेटा? मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है? सी एच टू। साथ में क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड सी एच टू। इसके अंदर किसको ऐड करवाना है? H2O को, दैट इज योर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हम ऐड करवाएंगे बेटा, तो कैटलिस्ट क्या करेगा? डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे है सर? ये रही डबल बॉन्ड, इसको क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। एक के ऊपर कौन जाएगा बेटा? OH नेगेटिव। एक पे कौन जाएगा? H पॉजिटिव। क्या बनेगा सर? CH2। साथ में क्या लगा हुआ है? कार्बन। कार्बन के ऊपर भी H2, साथ में क्या आ गया सर? OH। क्लियर है क्या? एक हाइड्रोजन अटैच हुआ है तो यहाँ पे क्या जाएगा? CH3 आ जाएगा। किसकी फॉर्मेशन हुई बेटा? एल्कोहल की। किसकी? एल्कोहल की। तो ये तो हमें पता चल गया कि अगर अल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे वाटर से तो क्या बनेगा?
एल्कोहल बनेगा, आ गया समझ में। लेकिन अगर इसके अंदर अनसिमेट्रिकल अल्किन आ गई, अनसिमेट्रिकल अल्किन मतलब सर यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, सी एच थ्री, सी एच थ्री के साथ क्या है सर कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या गया सी एच टू, यहाँ पे क्या गया सी एच। इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे बेटा, एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इज इट क्लियर और नॉट, और कौन सा रूल फॉलो होगा वो भी आपको लिखना है, ठीक है। आफ्टर दैट मान लो एक और प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास सी एच थ्री, साथ में क्या है सर कार्बन, ऊपर क्या है सी एच थ्री, और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है सर सी एच टू, दैट इज योर डबल बॉन्ड, क्लियर है। इसके अंदर हम ऐड करवा रहे हैं एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव, वो दोनों रिएक्शन करनी है बेटा, जल्दी से करिए अपनी नोटबुक्स के अंदर जल्दी से। जल्दी से करेंगे बेटा सभी बच्चे अपनी नोटबुक में। हो गई बेटा जल्दी कीजिए, ओनली 30 seconds लेफ्ट, 30 seconds टू रिएक्शन, जल्दी करिए बेटा। डबल बॉन्ड ब्रेक करनी है, नेगेटिव पार्ट अटैच करना है, पॉजिटिव पार्ट अटैच करना है, नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच होगा, पॉजिटिव पार्ट कहाँ अटैच होगा, दैट इज द क्वेश्चन। कौन सा रूल फॉलो होगा, एरो के नीचे लिखना है, मार्कोनी का रूल होगा, वेरी गुड बेटा। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है सर हमारे पास कैटलिस्ट क्या करेगा सर, पाई बोन को ब्रेक करेगा, यहाँ से पाई बोन क्या हो गई ब्रेक हो गई। अब सर यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट्स हैं, तो मार्कोनी का रूल अटैच होगा, मार्कोनी का रूल क्यों होगा, क्योंकि HBr और पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं है, अगर होते तो क्या लगाते एंटी मार्कोनी का। तो मार्कोनी का रूल क्या कहता है सर, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके पास कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसके पास दो हाइड्रोजन, तो किस पे आएगा सर सी एच वाले पे, तो सी एच थ्री, साथ में क्या है सर कार्बन, कार्बन के नीचे क्या हाइड्रोजन, ऊपर क्या लग गया बेटा ओ एच लग गया, और साथ में क्या लगा हुआ सर हमारे पास सी एच टू था, एक हाइड्रोजन और अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा सी एच थ्री बन जाएगा, क्लियर है क्या। अब ध्यान से देखो बेटा नेक्स्ट वाले के अंदर क्या होगा, फिर से कैटलिस्ट क्या करेगा, काम दिखाएगा, कौन सी बॉन्ड तोड़ेगा, डबल बॉन्ड तोड़ेगा, डबल बॉन्ड तोड़ेगा, तो यहाँ से हमारे पास नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेस कौन से पास है इस वाले के पास, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा ओ एच ग्रुप आ जाएगा, और इस वाले के ऊपर कौन आएगा बेटा हाइड्रोजन ग्रुप आएगा, तो क्या बनेगा सर यहाँ पे हमारे पास सी एच थ्री, सी एच थ्री के साथ कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या है सी एच थ्री है, नीचे हमारे पास क्या आ गया बेटा ओ एच ग्रुप आ गया, और आगे हमारे पास कौन सा ग्रुप आ गया बेटा सी एच थ्री ग्रुप आ गया। तो ध्यान से देखो जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, जिस कार्बन के ऊपर ओ एच लगा हुआ है दो कार्बन से अटैच है, दैट इज योर टू डिग्री एल्कोहल, यहाँ पे जिस कार्बन पे ओ एच है वो तीन कार्बन से अटैच है तो थ्री डिग्री एल्कोहल, आ गया समझ में। देन वी विल हैव ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन को ऐड करवाना, बिल्कुल सही बेटा, ध्यान से इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस में ऐड करवाएंगे ऑक्सीजन को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, एजेंट जो दूसरे को क्या कर दे ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो जाए रिड्यूस। तो अब ध्यान से देखिए ऑक्सीडेशन भी दो टाइप की होती है, द ऑक्सीडेशन कैन अकर इन टू डिफरेंट वेज, डिफरेंट वेज कौन कौन से होते हैं बेटा जल्दी से बताओ, पता है आपको, एक तो हमारे पास क्या होती है बेटा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, क्या होती है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, और एक क्या होती है बेटा अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, वन इज अनकंट्रोल्ड एंड द अनदर वन इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। काम की कौन सी है, काम की तो वही होगी ना जो हमारे कंट्रोल में रही, अगर अनकंट्रोल होगी तो हमारे किस काम की, तो ये हमारे किसी काम की नहीं होती है, ये हमारे काम की होती है, क्लियर है बेटा। तो अनकंट्रोल के अंदर हमारे पास जो रिएक्शन आती है बेटा दैट इज योर कंबशन, कंबशन इज अ टाइप ऑफ अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, और कंबशन भी कितने टाइप से होती है बेटा, दो टाइप से, एक तो होती है कंप्लीट कंबशन और एक होती है इनकम्प्लीट कंबशन, क्लियर है। तो ध्यान से देखो कंप्लीट ऑक्सीडेशन या फिर कंप्लीट कंबशन के अंदर क्या होता है, इन दिस CO2 H2O हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस, एक तो CO2 गैस निकलती है, एक H2O निकलती है, और हीट और निकलती है, और क्या निकलती है बेटा लाइट निकलती है, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है सी एच फोर है, इसको रिएक्ट करवाया O2 के साथ, तो यहाँ पे एक कार्बन है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा CO2 बना लेगा, साथ में हमारे पास चार हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन बची हुई है, यही बात है क्या, यही बात है सर, यहाँ पे हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है वाटर बनाता है,
चार हाइड्रोजन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, दो ऑक्सीजन चाहिए, क्लियर है, तो टू ओ टू आ गया समझ में। तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2, H2O और हीट या फिर लाइट, क्लियर है। लेकिन जब हम इनकम्प्लीट कंबेशन की बात करें तो इनकम्प्लीट के अंदर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O और हीट एंड लाइट, तो इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, दैट इज मोर हार्मफुल फ्रॉम CO2। सो इनकम्प्लीट कंबेशन के अंदर हम देख सकते हैं बेटा, मान लो इसके अंदर एग्जाम्पल लें तो इनकम्प्लीट कंबेशन के अंदर क्या होगा, CH4 रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन O2, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन बची हुई है, कितने ऑक्सीजन चाहिए, दो ऑक्सीजन चाहिए, एक बची हुई है, तो टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, नहीं सर, कितने से करना पड़ेगा, 3/2 से, टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक ऑक्सीजन के साथ कार्बन रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CO, दो ऑक्सीजन बच गई, चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, क्या बनाएंगे, टू मोल्स ऑफ H2O, और साथ में हीट एंड लाइट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। अगर 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कर रहा है तो इनकम्प्लीट कम्बेशन, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कर रहा है तो कम्प्लीट ऑक्सीडेशन और कम्प्लीट कम्बेशन। आ गया बेटा समझ में, लेट मी हैव एन रिएक्शन फॉर योर होमवर्क। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, C2H6 की ऑक्सीडेशन करवानी है कम्प्लीट कम्बेशन, और C2H4 की करवानी है बेटा इनकम्प्लीट कम्बेशन। और ये आपके लिए ये क्वेश्चन ना जनरली इस तरीके से पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है सर, कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, हाउ मैनी मोल्स ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, कितने मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हैं टू या फिर फोर द इनकम्प्लीट कम्बेशन, फॉर द इनकम्प्लीट कम्बेशन ऑफ प्रोपाइन, प्रोपाइन की इनकम्प्लीट कम्बेशन के लिए कितने मोल्स O2 रिक्वायर्ड है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, क्लियर है बेटा, कमेंट कर देना आप इसके लिए, एंड वी विल सी इट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, सो डू इट। आफ्टर दैट वी हैव कंट्रोल ऑक्सीडेशन, तो मैंने आपको बताया था बेटा अनकंट्रोल ऑक्सीडेशन हमारे किसी काम की नहीं होती है, लेकिन कंट्रोल ऑक्सीडेशन हमारे काम की होती है। तो इट अकर्स इन डिफरेंट वेज, ये अलग अलग तरीके से हो सकती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत ईजी रिएक्शन है कि कंट्रोल ऑक्सीडेशन के अंदर कंट्रोल करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कि मान लो हमारे पास CH4 था, ये O2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कर लेगा भाई CO2 बना लेगा, लेकिन कंट्रोल करके चलना है सर, तो कंट्रोल करके चलना है तो कुछ तो डालो यहाँ पे। तो अगर रिएजेंट और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रही है, रिएजेंट और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, कंट्रोल ऑक्सीडेशन। अगर इन दोनों की एब्सेंस है तो क्या होगी बेटा, अनकंट्रोल ऑक्सीडेशन, दैट इज योर कम्बेशन, क्लियर है बेटा, आ गया समझ में। तो इट अकर्स इन डिफरेंट वेज, ऑक्सीडेशन विद कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, ऑक्सीडेशन किसके साथ कर सकते हैं, कोल्ड और डाइल्यूट KMnO4 के साथ, दैट इज योर पोटेशियम पर मैग्नेट, ये क्या होता है, एक टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एजेंट जो दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज कर दे। व्हेनेवर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन्स अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कभी भी अल्किन्स की रिएक्शन हो रही है, अल्किन्स की ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे कि पोटेशियम पर मैग्नेट, ये KMnO4, इन इट हाइड्रोक्सिलेशन अकर, इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोक्सिलेशन, बिल्कुल सही, हाइड्रोक्सिलेशन अकर्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड, और इसके रिजल्ट पे हमारे पास क्या होते हैं बेटा, अल्कोहल्स बनते हैं, और वो भी कौन से, डाइओल्स, डाइओल्स मतलब दो क्या आएंगे हमारे पास, OH ग्रुप अटैच हो जाएंगे, क्लियर है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिएक्शन है, ध्यान से सुनना रिएक्शन को, सबसे पहली रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ रिएक्ट करवाया बेटा, ऑक्सीजन के साथ, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से मिली सर हमने, क्योंकि इसके साथ को, इसको किसके साथ ट्रीट करवाया था, KMnO4 के साथ, KMnO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा बेटा, ये वाली बॉन्ड हमारे पास क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है बेटा, CH2, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, डाइओल्स की फॉर्मेशन होती है, आया समझ में। After that, अगर हम बात करें इसमें अनसिमेट्रिकल अल्किन की, तो CH3
सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इसमें सर ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो फिर से वही बात होगी क्या सर, सी एच थ्री सी एच सी एच टू, ये एज इट इज रह जाएगा। लेकिन सर जहाँ पे डबल बॉन्ड थी वहाँ पे दोनों जगह क्या आ जाएंगे सर, ओ एच ग्रुप आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ओ एच ग्रुप, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा ओ एच ग्रुप, आ गया समझ में। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी सर, तीन कार्बन एटम है तो प्रोप इन वन ओ टू पे क्या लगा हुआ है डाइओड, क्लियर है। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई है इस एन वन ओ टू पे क्या लगा हुआ है डाइओड, आ गया समझ में, क्लियर है। तो इन दिस नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन विद हॉट एंड कंसेंट्रेटेड KMnO4, अभी किसके साथ करी थी कोल्ड एंड कंसेंट्रेटेड KMnO4, अब किसके साथ कर रहे हैं हॉट एंड कंसेंट्रेटेड KMnO4, ये ध्यान से देखो बेटा कोल्ड एंड डाइल्यूट है, कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो कोल्ड एंड डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास 90% क्या है वॉटर है, और 90% वॉटर के अंदर हमने किसको डाल रखा है KMnO4 के अंदर को डाल रखा है, दैट इज योर पोटेशियम परमैंगनेट। लेकिन अगर हमने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, रिवर्स कैसे कर दिया सर, हमने क्या कर दिया कंसेंट्रेटेड कर दिया, कंसेंट्रेटेड का मतलब क्या है कि 99% हमारे पास क्या है KMnO4 है, एंड 1% हमने क्या मिक्स कर रखा है वॉटर मिक्स कर रखा है, दैट इज योर कंसेंट्रेटेड पार्ट, वॉटर मिक्स ना भी कर रखा हो, और साथ में क्या कर दिया इसको हॉट कर दिया। When alkenes react with hot and concentrated potassium permanganate, the cleavage occurs across double bond. तो अभी भी double bond के across हो रही थी, लेकिन अब की बार क्या आ रहे थे सर, dipoles form हो रहे थे। अब भी सर हमारे पास किसके साथ reaction होगी? Alkenes के साथ double bond की क्या हो जाएगी? Cleavage हो जाएगी। That is your breaking of double bond. तो breaking of double bond के साथ यहाँ पे हमारे पास किसकी formation होगी? Carboxylic acid की। ये आपको याद रखना है। Hot and concentrated KMnO4 में किसकी formation होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड की। लेकिन अगर कोल्ड एंड डाइल्यूटेड KMnO4 ले लिया तो किसकी फॉर्मेशन होगी? एल्कोहल की। आ गया बेटा समझ में? तो ध्यान से देखिए किस तरीके से होती है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, इसको ट्रीट करवाया किसके साथ? KMnO4 के साथ। कौन सा KMnO4? हॉट एंड कंसेंट्रेटेड KMnO4। क्या प्रोवाइड करेगा? नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, ये वाली बॉन्ड ही क्लीव हो जाएगी, ये वाली बॉन्ड कम्प्लीटली टूट जाएगी, क्लियर है। इसमें से एक ऑक्सीजन हमें कहाँ मिल जाएगी? इस कार्बन के साथ मिल जाएगी, और एक ऑक्सीजन इस वाले कार्बन के ऊपर मिल जाएगी, क्लियर है। और एक हमारे पास ओ एच ग्रुप आएगा, और एक हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ओ एच ग्रुप आ जाएगा, क्लियर है। और ध्यान से देखो किस तरीके से फॉर्म होगा, ये हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप्स लगाए हैं हमने, दिस आर द एक्स्ट्रा ग्रुप्स, क्लियर है, वो पहले से प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा सर, कार्बन है, कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन तो लगे हुए थे, एक क्या आ गई ऑक्सीजन आ गई, क्लियर है। लेकिन सर यहाँ पे भी हमारे पास H नहीं आया, सिर्फ क्या है OH आया है, यहाँ पे हमारे पास कौन सा ग्रुप अटैच हो गया, OH ग्रुप अटैच हो गया, क्लियर है। That is, ये जो हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया OH बना लिया, और यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया रिमूव हो गया, यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो गया, क्या बना लिया OH। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ, कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, एक क्या आ गई ऑक्सीजन आ गई, कौन सी बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड, और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बना लिया OH, क्लियर है। इसी तरीके से मान लो मैं आपके साथ अनसिमेट्रिकल वाले की रिएक्शन करूँ, दैट इज योर अनसिमेट्रिकल पार्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम, देन वी हैव सी एच एंड डबल बॉन्ड सी एच टू, इसको ट्रीट करवा रहे हैं हॉट एंड कंसेंट्रेटेड KMnO4 के साथ, ये क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो फिर से देखो कहाँ से डबल बॉन्ड क्लीव होगी, यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, सी एच थ्री सी एच है, तो एक तो हमारे पास क्या गया सी एच थ्री कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे सर एक तो कार्बन के ऊपर कौन अटैच हो जाएगी, ऑक्सीजन आइटम अटैच हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गई, और हाइड्रोजन के साथ क्या आ जाएगा बेटा ओ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ओ एच, क्लियर है। यहाँ पे ध्यान से देखो सी है, यहाँ पे एक तो क्या आ जाएगी ऑक्सीजन आ जाएगी, तो कार्बन, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, और एक कौन अटैच हो जाएगा बेटा ओ एच, आ गया समझ में। तो ये हमारे पास कंप्लीट क्या होगी, रिएक्शन होगी, क्लियर है बेटा। एंड इसके अंदर अगर हम फर्दर रिएक्शन की बात करें, अगर फर्दर हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं,
अगर क्या हो इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होनी हो तो यहाँ पे एक और स्टेप है, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है तो जो आपका ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा सर, यहाँ से हमारे पास एक तो CO2 गैस रिमूव हो जाएगी, क्लियर है? तो एक तो हमारे पास कौन सी गैस रिमूव होगी बेटा, CO2, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा, H2O। यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, CO2 गैस रिमूव हो जाएगी और साथ में क्या बन जाएगा, H2O, अगर इसकी क्या होती है फर्दर ऑक्सीडेशन होती है तो, क्लियर है? देन वी हैव, प्लीज नॉट इफ देयर इज नो हाइड्रोजन प्रेजेंट विद कार्बन कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड। अगर हमारे पास हाइड्रोजन है ही नहीं जो कार्बन कनेक्ट है किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ, देन कीटोन इज फॉर्म। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा, कीटोन की फॉर्मेशन होगी। इफ देयर इज हाइड्रोजन विद कार्बन, अगर हाइड्रोजन है तो किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो आप ध्यान से देखो, अभी जो हमने रिएक्शन करी है डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो कार्बन एटम था, यहाँ पे हाइड्रोजन था क्या, बिल्कुल था सर, यहाँ पे डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो है उसके ऊपर भी हाइड्रोजन था, लेकिन अगर नहीं हुआ तो किसकी फॉर्मेशन होगी सर, तो दैट इज द क्वेश्चन। तो मान लो यहाँ पे मैं इसको रिएक्ट करवाना चाहूँ बेटा, तो इसकी रिएक्शन यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, सी एच थ्री कार्बन डबल बॉन्ड सी एच टू, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सी एच थ्री लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो है ही नहीं डबल बॉन्ड के अक्रॉस, तो आप इसकी क्या करवाएंगे, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, कीटोन की, दैट इज योर, मान लो यहाँ से डबल बॉन्ड क्लीव होगी तो इसके ऊपर कौन आएगी, ऑक्सीजन आएगी, तो ओ सी एच थ्री नहीं बनेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, सी एच थ्री कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में क्या आ गया, सी एच थ्री, क्लियर है? और यहाँ पे अगर ऑक्सीजन आ रही है तो किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड साथ में क्या हो गया, OH, क्लियर है? तो अगर हाइड्रोजन नहीं है तो किसकी फॉर्मेशन होगी, कीटोन की, हाइड्रोजन है तो किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। देन वी हैव अनदर रिएक्शन, ऑक्सीडेशन विद ओजोन। ओजोन क्या होता है बेटा, ओ थ्री गैस को क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओजोनोलिसिस। इसका क्या नाम होता है, ओजोनोलिसिस भी होता है। ओजोनोलिसिस पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, एक ही बार में समझ में आ जाएगी, ध्यान से समझिएगा। तो ओजोनोलिसिस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अनसिमेट्रिकल एल्किन की पढ़ेंगे, सॉरी सिमेट्रिकल की पढ़ेंगे, उसके बाद अनसिमेट्रिकल की, क्लियर है? तो मान लो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू है, इसको किसके साथ रिएक्ट करवाना है, ओ थ्री के साथ, क्लियर है? तो ओ थ्री के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये बात आपको याद रखना है। इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की साइमल्टेनियसली क्या होती है, एडिशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ फाइन मेटल, क्लियर है? तो मैं बिल्कुल शॉर्ट से ट्रिक बता रहा हूं आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये ओजोन है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन है, इसको यहां से क्लीव कर दो और इसको यहां से क्लीव कर दो, आ गया समझ में? इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला कार्बन अटैच हो जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला कार्बन अटैच हो जाएगा। बात करें इस वाली ऑक्सीजन की, तो ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। ये वाली बॉन्ड क्या हो चुकी है, क्लीव हो चुकी है, कार्बन है सर, कार्बन के साथ क्या आ गई है, ऑक्सीजन आ गई है, तो क्या आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। दो क्या अटैच है बेटा, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे दो क्या अटैच है, हाइड्रोजन, आया समझ में? इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास कार्बन है सर, कार्बन के साथ क्या आ गई, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गई है, और दो क्या बेटा अटैच है हमारे पास, हाइड्रोजन अटैच है, तो दो क्या अटैच है, हाइड्रोजन। सिंपल सी रिएक्शन है, क्लियर है? इसी तरीके से हमारे पास मान लो एक और अनसिमेट्रिकल एल्किन ले रहा हूं मैं, दैट इज योर सी एच थ्री, साथ में क्या है बेटा, कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, सी एच है, और साथ में क्या है, डबल बॉन्ड सी एच टू है। इसकी आपको क्या करवानी, ओजोनोलिसिस करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड फाइन मेटल, क्लियर है? दैट वॉज द फर्स्ट रिएक्शन, एंड सेकेंड रिएक्शन जो है वो क्या है आपके पास, सी एच थ्री कार्बन सी एच थ्री और डबल बॉन्ड सी एच टू, इसकी आपको क्या करवानी है, ओजोनोलिसिस करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड फाइन मेटल। तो जल्दी से कीजिए बेटा इन रिएक्शंस को, जल्दी से। यू हैव 30 सेकेंड्स फॉर इट, जल्दी से कीजिए बेटा।
ओजोन के साथ एक्ट करवाना है बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी डबल बॉन्ड वाले कार्बन के अक्रॉस। ओनली 6 seconds आर लेफ्ट। ओके बेटा सी है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा सर, फिर से ओजोन के साथ रिएक्ट करवाएगा, तो मान लो ओजोन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये तो उल्टा लिख दिया सर आपने, कोई बात नहीं बेटा उल्टा लिख लो चाहे सीधा लिख लो, रहनी तो ओजोन ही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कौन रिएक्ट करेगा, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ, ये वाला कार्बन, यहाँ से ऑक्सीजन जो बची हुई है ये ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करेगी, हाइड्रोजन के साथ, और क्या बनाएगी H2O बनाएगी। यहाँ पे सर हमारे पास कार्बन है, तो एक तो CH3 है, साथ में क्या है कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर एक क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, और ऊपर क्या आ जाएगी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगी, क्लियर है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ, और दो इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं बेटा हाइड्रोजन लगे हुए हैं, आ गया समझ में। अब यहाँ देखो फिर से ओजोन के साथ रिएक्शन करेगी, तो ओजोन 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 ये वाला कार्बन नहीं करेगा, तो यहाँ से क्या हो गई डबल बॉन्ड क्लीव हो गई, इस ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन ने रिएक्ट करी और इस ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन ने, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है CH3, साथ में क्या लगा हुआ है सर कार्बन, इस कार्बन के ऊपर एक क्या लगा हुआ है CH3, और एक क्या आ गया बेटा ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कीटोन की फॉर्मेशन होगी। अब की बार किसकी फॉर्मेशन हुई, कीटोन की, पहले किसकी हो रही थी एल्डिहाइड की, क्लियर है। और ये वाला जो ग्रुप है बेटा ये कौन सा ग्रुप है, फॉर्मल्डिहाइड। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास दो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो क्या बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, एक अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, और एक हमारे पास हाइड्रोजन है ही नहीं तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, कीटोन की। और यहाँ पे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, HC डबल बॉन्ड O H फॉर्मल्डिहाइड, क्लियर है। और साथ में क्या बनेगा H2। तो दैट वॉज द लास्ट रिएक्शन ऑफ अल्किन्स, दैट इज योर ओजोनोलिसिस, एंड आफ्टर दैट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द अल्काइन्स पार्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।